Hey, what's up everybody? Welcome back to my channel again. My name is Karan and my channel name is Exam Tapri. स्वागत है आप सभी बच्चों का फिर से. होप आप सभी कोविड में फाइन होंगे, अपने और अपनों के साथ होंगे और उनका ध्यान रख रहे होंगे. तो आज लेके आया हूँ यार मैं कि कॉमेट के में कुछ सिलेबस में चेंजेस हुए हैं, उन्हीं सारी चीज़ों को हम लोग आज डिस्कस करेंगे. साथ ही साथ मैं उन बच्चों को अभी भी बोल रहा हूँ जिन बच्चों ने मेंस में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं आया है और 90 से 95 परसेंटाइल के बीच में उनकी परसेंटाइल आ रही है, तो मैं अभी भी उन बच्चों से कहूंगा कि भाइयों रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज कॉमेट के का फॉर्म भर दो क्योंकि ये बहुत रामबाण साबित होने वाला है आप लोगों के लिए. तो आज डिस्कस करूंगा गाइस कि सिलेबस में रिवीजन हुआ है, क्यों हुआ है, इस बारे में जानेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो देखिए गाइस, बात ऐसी है कि क्या हुआ क्या है, ट्वेल्थ के सिलेबस में चेंजेस हो गए हैं, हुए थे सीबीएसई के. अब ट्वेल्थ के सिलेबस में चेंजेस हुए तो बात यह है कि अब बच्चों ने ट्वेल्थ का सिलेबस तो ट्वेल्थ में पढ़ा ही नहीं क्योंकि अब सिलेबस रिवाइज हो गया है, तो बच्चे भी सोच रहे हैं कि यार चलो छोड़ो. खैर बच्चे तो ये भी सोच रहे हैं कि एग्जाम भी नहीं है तो सब कुछ ही छोड़ो. लेकिन जो बच्चे इंजीनियरिंग का प्लान कर रहे हैं इस साल, उनके लिए मैं सजेशन दूंगा कि वो कुछ ना छोड़े, वो सिर्फ ये कॉमेट के लिए ये टॉपिक छोड़े. अब साथ में इसके साथ एक चीज और है कि जो बच्चे मेंस का एग्जाम दे रहे हैं तो उन्होंने बहुत सारी चीजें सारी की सारी चीजें पढ़ ही रहे, उसमें तो कोई सिलेबस में चेंजेस हुए नहीं है, तो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है. ठीक है, अगर आप कॉमेट के लिए प्लान कर रहे हो और मेंस के लिए, मेरे को लगता है बहुत सारे बच्चे अभी भी तैयारी कर ही रहे होंगे, तो बहुत ज्यादा इस चीज से आपको फर्क पड़ेगा नहीं. लेकिन फिर भी अगर आप एक्सक्लूसिवली कॉमेट के लिए प्लान कर रहे हैं, एज आई टोल्ड यू 90-95% वाले बच्चों को कॉमेट के का पेपर जरूर देना चाहिए, तो सिलेबस पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है. तो अब बात करेंगे अपन कि डिलीटेड पोर्शन फॉर द क्लास 12th सिलेबस फिजिक्स. फिजिक्स में क्या क्या चीजें डिलीट हो गई हैं, उन सारी चीजों पे मैं आपसे बात करूंगा. तो लेफ्ट में हमेशा की तरह सारी चीजें आपको दिखाता हुआ चलूंगा. तो चलिए शुरू करते हैं, है ना. अब इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है भैया, डिलीटेड पोर्शन यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड वाला, तो ये वाला सेक्शन जो है ये डिलीट हो गया है. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस कुछ भी डिलीट नहीं हुआ, पूरा का पूरा करना आपने वाला. करंट इलेक्ट्रिसिटी में कार्बन रेजिस्टर कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टर्स सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टर्स, ये वाला सेक्शन जो है डिलीट हो गया है. और मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में साइक्लोट्रॉन वाला पार्ट डिलीट हो गया है. मैग्नेटिज्म एंड मैटर वाले में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ मैग्नेट डाइपोल, ये वाला डिलीट हो गया है. टॉर्क एंड मैग्नेटिक डाइपोल डिलीट हो गया. पैरा एंड डायपैरा फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस वाला डिलीट हो गया. इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्ट्रेट परमानेंट मैग्नेट, ये वाला पोर्शन डिलीट हो गया है. अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे आ जाता हूं, कुछ भी डिलीट नहीं हुआ, पूरा पढ़ना भैया, है ना. ऑल्टरनेटिंग करंट की बात करूं तो ऑल्टरनेटिंग करंट में पावर फैक्टर और वॉट इज करंट डिलीट हो गया है. थोड़ा सा और नीचे आ जाता हूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में बेसिक आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट डिलीट हो गया है. और रे ऑप्टिक्स की बात कर लेते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्फेरिकल मिरर फॉर्मूला, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ब्लू कलर स्काई, रेडिश अपीयरेंस ऑफ द सनसेट एंड सनराइज एंड सनसेट, यार ये तो बहुत इजी वाला टॉपिक था, ये भी डिलीट हो गया है. वेव ऑप्टिक्स, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, पोलराइजेशन, प्लेन पोलराइजेशन एंड यूज ऑफ प्लेन्स, पोलराइड लाइट्स एंड पोलराइड, ये वाला सब टॉपिक भी डिलीट हो गया है. ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन में डेविशन जर्मन एक्सपेरिमेंट, ये डिलीट हो गया है. एटम्स की बात करूं कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, इसमें जनरली होता भी नहीं है. न्यूक्लियर की बात करूं तो रेडियो एक्टिव अल्फा बीटा एंड गामा पार्टिकल्स एंड प्रॉपर्टीज एंड रेडियो एक्टिव डीके लॉ एंड हाफ लाइफ ऑफ मीन लाइफ बेंडिंग एनर्जी एंड न्यूक्लियर एंड इट्स वेरिएशन एंड मास नंबर. देखो सिंपल सी बात यह है, जो जो ये टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने कहीं कोचिंग की होगी तो आपके इसके साथ मॉड्यूल्स होंगे अलग अलग से इन सारे टॉपिक्स के, है ना. जैसे जब मैंने कोचिंग की थी तो हमारे पास क्या होता था, अलग अलग टॉपिक्स के अलग अलग मॉड्यूल्स हुआ करते थे. तो मॉड्यूल या शीट या डीपीपी जिसे कहते हैं, तो आप लोगों के पास वो होगी. सिंपल सी बात करनी है उस डीपीपी को जिसमें टॉपिक्स ये बताए गए हैं, अगर वो नहीं आ रहा वो टॉपिक साइड रखते जाओ, जो आ रहे हैं उस पर फोकस करते हुए चलो. थोड़ा सा और आगे बढ़ जाता हूँ, सेमीकंडक्टर की बात करते हो तो जेनर डायोड एंड द कैरेक्टरिस्टिक एंड जेनर डायोड एंड अ वोल्टेज रेगुलेटर, ये भी डिलीट हो गया है. अब आ जाते हैं डिलीट पोर्शन इन फॉर द क्लास 12 सिलेबस केमिस्ट्री. केमिस्ट्री में से क्या क्या डिलीट हो गया भैया, द सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज गए, सॉल्यूशन में से एबनॉर्मल मोलर मासेस गए. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में गैल्वेनिक सेल्स हो गई, बैटरीज हो गई, फ्यूल सेल्स हो गई और कोरोजन गया. केमिकल काइनेटिक्स में टेम्परेचर डिपेंड ऑन द रेट ऑफ द रिएक्शन कोलिजन, ये भी गया. सरफेस केमिस्ट्री में कैटलिस्ट एंड इमल्शन गया. और एक पूरी की पूरी जो है एंटायर वो डिलीट ही हो गया, जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स एंटायर यूनिट इज
डिलीटेड, ये केमिस्ट्री से पूरा गया। पी ब्लॉक में से ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड एलोट्रोपिक एलोट्रोप फॉर्म्स और फॉस्फिक प्रिपरेशन द प्रिपरेशन द प्रॉपर्टीज फॉस्फोरस हैलाइड 7.9 ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस, ये पूरा टॉपिक गया है। डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक में से सम ऑफ द इंपॉर्टेंट कंपाउंड ट्रांजिशन एलिमेंट और एक्टिनाइट्स एंड लेंथेनाइट्स, ये भी चला गया है। कोऑर्डिनेट कंपाउंड में से आइसोमेरेज इन द कोऑर्डिनेट कंपाउंड इंपॉर्टेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ द कोऑर्डिनेट कंपाउंड। हैलोजन में से क्या गया है भैया, पॉली हैलोजन कंपाउंड डिलीट हो चुका है। अल्कोहलिक एंड फिनॉल एंड इथर वाले में से सम कमर्शियल इंपॉर्टेंस ऑफ अल्कोहल अल्कोहल, ये भी चला गया है। और एल्डिहाइड एंड कीटोन कार्बोसिलिक एसिड में से कुछ भी नहीं गया है, पूरा का पूरा वैसे ही है। अमीन्स मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डायजोनियम सॉल्ट्स, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज केमिकल रिएक्शन इंपॉर्टेंस ऑफ द डायजोनियम सॉल्ट्स इन सिंथेसाइज ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, ये वाला डिलीट हो गया है। बायोमोलिकुलर में बायोमोलिकुलर साथ में आपको दिख ही रहा होगा इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंजाइम्स एंड विटामिंस एंड हार्मोन्स, ये डिलीट हो गया है। पॉलीमर्स में से एंटायर यूनिट इज डिलीटेड एंड केमिस्ट्री इन एडवर्टाइज में से एंटायर यूनिट इज डिलीटेड। तो कुछ कुछ अच्छे जो टॉपिक्स थे जिसमें स्कोरिंग जो हो सकते थे वो भी काफी डिलीट हो चुके हैं। अब मैथमेटिक्स पे आ जाता हूँ भैया, आप तो रिलेशन एंड फंक्शन कंपोजिट एंड फ्रैक्शन एंड इनवर्टिबल फंक्शंस, ये डिलीट हो चुका है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में से भी ग्राफ इनवर्सेशन एंड ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से भी डिलीट हो चुका है। मैट्रिक्स में से कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्री एंड रो एंड कॉलम ऑपरेशन ये भी डिलीट हो चुका है। साथ साथ में और भी जो है वो भी डिलीट हो चुके हैं। प्रूफ ऑफ द यूनिकनेस ऑफ द इनवर्स ये भी डिलीट हो चुका है। डिटरमिनेंट्स में भी काफी टॉपिक्स डिलीट हो गए हैं और कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएटिविटी में भी ये टॉपिक्स जो आपको लेफ्ट में दिख रहे होंगे सारे डिलीट हो चुके हैं। एप्लीकेशन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव्स में से रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज एंड यूनिवर्स और डेरिवेटिव अप्रोक्सीमेट इंटीग्रल्स में भी ये सेक्शन डिलीट हो गया है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में से एरिया अंडर द मल्टीपल कर्व्स ये डिलीट हो गया है। वेक्टर्स में से भी स्केलर ट्रिप एंड प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ये भी डिलीट हो चुका है। और इसके साथ साथ और भी काफी सारे टॉपिक्स अब डिलीट हो गए हैं। तो अब देखिए इसमें सिंपल सी बात समझने वाली कि जो जो टॉपिक्स अगर अपन इफ यू आर ओनली प्लानिंग फॉर द कॉमेट के थिंग देन लेट लीव द डिलीटेड सेक्शन बिकॉज There is no need to focus on those sections because अगर आप उसमें weaker भी हैं और अच्छे भी हैं तो कुछ फायदा अपने को होने वाला नहीं है। सिंपल सी बात यह है कि अगर आप मेंस के लिए अभी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो देखिए 90 से 95% गाइस अगर आपकी आ रही है दैट इज फेयर के बीच में आ रही है तो देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर द कॉमेट के थिंग। और उसके साथ साथ दूसरे कॉम्पिटिटिव लाइक VIT वेलोरेंस, हाँ VIT के लिए भी अप्लाई करो, SRM के लिए अप्लाई करो और इसके साथ साथ निर्मा थापर और इन सारी कोचिंग कॉलेजेस के लिए भी साथ साथ में अप्लाई करते रहो। किस तरीके से अप्लाई करना है वो भी साथ साथ में अगर आपको क्वेरीज है तो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स और यू कैन पिंग मी ऑन माय इंस्टाग्राम पेज। तो इसके साथ साथ और भी पुराने वीडियोस मैंने बता रहा था कि कौन कौन से बहुत इंपॉर्टेंट कॉलेजेस हैं, साथ में आई बटन भी मैं आप लोगों को लगा के दे दूंगा। तो यू कैन गो टू द वीडियो और वहां पे जाके आप बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट एंट्रेंस हैं वो भी आप जाके देख सकते हैं। तब तक के लिए अपनों का ध्यान रखिए, खुद का ध्यान रखिए, स्टे ट्यून्ड स्टे सेफ स्टे ब्लेस्ड। मिलता हूं अगले वीडियो के साथ और कॉमेंट के पे बताइए आपको मतलब माहौल है अपना। बाय बाय गाइस।